हेलो एंड वेलकम टू दी साइंस क्लासेस तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर एट क्लास टेंथ का हाउ डू ऑर्गेनिज़म्स रीप्रोड्यूस तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स रीप्रोड्यूस किस तरह से करते हैं लेकिन उससे पहले ये जान लेना चाहिए वाई डू ऑर्गेनिज़म्स रीप्रोड्यूस ओके सो वाई डू ऑर्गेनिजम्स रीप्रोड्यूस चैप्टर का नाम क्या है हाउ ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस एंड आर क्वेश्चन इज वाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस के वो रिप्रोड्यूस करते ही क्यों हैं अपने जैसे और ऑफ स्प्रिंग्स को जन्म क्यों देते हैं ठीक है क्योंकि रिप्रोडक्शन ऐसी भी कोई बात नहीं है कि सर्वाइवल का क्वेश्चन हो ठीक है हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस चैप्टर करा था जिसमें हम लोगों ने पूरे के पूरे नेसेसरी जितने भी प्रोसेसिस थे हम लोग पढ़ चुके थे कि ये ये प्रोसेस ज़रूरी है निसेसरी है हम लोगों के सर्वाइवल के लिए है ना बॉडी को मेंटेन करने के लिए लाइफ मेंटेनेंस के लिए बट रिप्रोडक्शन वाज नॉट अ पार्ट ऑफ देम रिप्रोडक्शन तो था नहीं उनमें तो देखो जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ चुके हैं रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन है, है ना ये सब क्या है ये सब नेसेसरी फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के जो कि हमारी बॉडी को अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए लाइफ के मेंटेनेंस के लिए करने ही पड़ेंगे बट रिप्रोडक्शन वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ दैम और दूसरी बात ये जो सारे रेस्पिरेशन न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन ये जो जितने भी सारे फंक्शंस हैं ये सारे हम लोगों को एनर्जी दे रही हैं बट रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है ठीक है सो so वाई वाई द इंडिविजुअल ऑर्गैनिजम वेस्ट एनर्जी ऑन अ प्रोसेस है ना इट सॉरी, इट डज़न नीड टू स्टे जबकि उनके सर्वाइवल का क्वेश्चन भी नहीं है ये ओके okay? तो इसमें वो बताते हैं कि हम लोग अब मान लो कोई भी एक लिविंग क्रिएटर है सिर्फ एक लिविंग क्रिएटर है उसके जैसा और कोई नहीं है ठीक है और एक तरफ ये सिर्फ एक और एक तरफ बहुत सारे लिविंग क्रिएटर्स एक जैसे है ना इकट्ठे घूम रहे हैं तो आप लोगों के नोटिस में कौन पहले आएगा ये वाला या फिर ये वाला ओब्वियसली जिनकी संख्या ज़्यादा है वही आपकी नोटिस में पहले आएगा ओके okay? तो यही एक रीज़न होता है सबसे बड़ा रीज़न तो ये ही है अदरवाइज आप उनको रिकोगेनाइज ही नहीं करोगे और जब सिर्फ कोई एक लिविंग ऑर्गेनिजम है उस स्पीसीज का वो अपने लाइफ प्रोसेस के बाद उसका तो एंड होना ही है ना अपने पूरे लाइफ स्पैन के बाद उसकी डेथ तो होनी ही है तो पूरी के पूरी स्पीसीज खत्म हो जाएगी उसके साथ तो एक स्पीसीज को मेंटेन करने के लिए ठीक है पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए एक इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन इज अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट अगर मान लो एक तालाब में एक डड्डू था सिर्फ एक डड्डू उसके जैसा और कोई है ही नहीं ठीक है तो वो तो अपने लाइफ स्पैन के बाद ख़त्म हो गया मर गया तो उसके बाद वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा ठीक है ना तो ये बात होती है कि हम लोगों को लाइफ को मेंटेन करने के लिए एक इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए वो चीज चाहिए ही चाहिए ठीक है रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट सो डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देम सेल्व तो अब क्या ऑर्गेनिजम्स बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपीज प्रोड्यूस करते हैं सॉरी रिप्रोड्यूस करते हैं अब आप ही देखो आप क्या बिल्कुल अपने पापा जैसे हो या बिल्कुल अपने मम्मा जैसे हो बिल्कुल कोई डिफरेंस ना हो नॉट इवन हाइट नॉट इवन यो आई कलर यो हेयर कलर यो स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ वेरिएशंस तो होते ही हैं ठीक है चेके? तो वो देखते हैं किस तरह से हाँ आप लोग सिमिलर हो सकते हो लेकिन आप लोग बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं हो सकते अपने पेरेंट्स के ऑर्गैनिजम्स लुक सिमिलर बिकॉज देर बॉडी डिजाइनस आर सिमिलर तो हम लोगों के बॉडी डिजाइनस सिमिलर होते हैं ठीक है इस अपने पेरेंट्स के साथ इसीलिए हम लोग सिमिलर्स लगते हैं बट वी आर नॉट आइडेंटिकल आइडेंटिकल का तो मतलब हो गया एक भी एस्पेक्ट ऐसा नहीं है जो कि आपका मैच ना करता हो आइडेंटिकल ना हो लेकिन ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में ठीक है ना so इफ़ बॉडी designs आर to be सिमिलर द blueprints for फॉर designs should शुड similar सिमिलर तो वो बोल रहे हैं अगर बॉडी डिज़ाइन आपके बॉडीज का आपके पेरेंट्स के साथ बिल्कुल सेम है तो इसका मतलब जो उसका ब्लू प्रिंट तैयार किया गया था वो भी सेम होगा तभी तो जाकर के पूरे का पूरे डिज़ाइन सेम हुआ ठीक है तो रिप्रोडक्शन में होता क्या है मोस्ट बेसिक लेवल पर इसके क्या होता है कि यहाँ पर ब्लूप्रिंट की कॉपीज़ बनती है बॉडी डिज़ाइन के ब्लूप्रिंट की कॉपीज़ बनती हैं ठीक है ठीके? और हम लोगों ने देखा है कि क्रोमोज़ोम होता है न्यूक्लियस में एक सेल के न्यूक्लियस में हम लोगों के पास क्रोमोज़ोम होता है ठीक है और ये क्रोमोज़ोम इंफॉर्मेशन लेकर चलता है पूरी के पूरे इनहेरिटेंस की जो कि पेरेंट्स से अपनी दूसरी जनरेशन में जो जो फीचर्स आएंगे वो इस क्रोमोजोम में होते हैं ठीक है और वो कहाँ पर होता है वो डीएनए की फॉर्म में हम लोगों को मिलते हैं ठीक है जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है वहां पर द डीएनए इन सल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग द प्रोटीन्स तो इस डीएनए से इस डीएनए से क्या होता है इस डी एन ए से सारी की सारी जो प्रोटीन्स की इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हाँ कौन सी प्रोटीन बनाई जाएगी इस तरह के डिज़ाइन के लिए ठीक है सो इफ द इंफॉर्मेशन इज चेंज डिफरेंट प्रोटीन्स विल बी मेड डिफरेंट प्रोटीन्स विल लीड टू अल्टर द बॉडी डिजाइन अगर डिफरेंट डिफरेंट आप लोगों के प्रोटीन्स बनेंगे तो बॉडी के डिज़ाइंस भी अलग अलग तरह के ही होंगे ठीक है सो देअर अ बेसिक इवेंट इन द रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ अ डी एन ए कॉपी सेल्स यूज कैमिकल रिएक्शंस टू बिल्ड कॉपीज ऑफ देर डीएनए तो सेल्स क्या करते हैं कैमिकल रिएक्शंस करते हैं ताकि डीएनए की कॉपी बनाई जा सके ठीक है सो दिस क्रिएट्स टू कॉपीज ऑफ डीएनए इन रिप्रोड्यूसिंग सेल तो रिप्रोड्यूसिंग सेल में हमेशा दो डी एन एस की दो तरह so so की कॉपीज बनाई जाती हैं ठीक है तो इसमें so क्या होता है कि एक कॉपी को तो रख लिया जाता है ओरिजिनल सेल में और दूसरी को वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है जिसका कि कोई काम नहीं होता बिकॉज द कॉपी पुश्ड आउट वुड नॉट हैव एनी ऑर्गेनाइज सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर मेंटेनिंग लाइफ प्रोसेस तो उसके पास कोई भी ऐसी सेलुलर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होती जो कि लाइफ प्रोसेस को मेंटेन कर पाए ठीक

दे लाइक टू बी एब्सल्यूटली आइडेंटिकल तो उन्होंने बोला हाँ सिमिलर तो होंगे ही है ना सिमिलर तो हैं लेकिन क्या वो आइडेंटिकल भी हैं द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल डिपेंड ऑन हाउ एक्यूरेटली द कॉपिंग रिएक्शन इन वर्ल्ड अकर तो ये क्वेश्चन किस पर डिपेंड करेगा कि क्या वो आइडेंटिकल है ये डिपेंड करेगा कि जो कैमिकल रिएक्शन हुई है ना वो कितनी ज़्यादा एक्यूरेटली हुई है ठीक है डीएनए की कॉपी बनाने के लिए और कोई भी ऐसी बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं होती जो कि एब्सल्यूटली रिलायबल हो ठीक है नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनमें थोड़े बहुत वेरिएशंस आते रहते हैं जिनकी वजह से वेरिएशंस हमारे डीएनए में भी देखी जाती हैं सो डीएनए विल हैव सम वेरिएशंस ईच टाइम

बहुत ज़्यादा वेरिएशन्स आ जाती हैं एक लेवल से ज़्यादा वेरिएशन्स की वजह से जो नया सेल प्रोड्यूस हुआ वो डाई कर जाता है वो मर जाता है ठीक है ओन दी अदर हैंड दे कुड स्टिल बी मैनी अदर वेरिएशन इन डी एन ए कॉपीज दैट वुड नॉट लीड टू सच अ डरास्टिक आउटकम द सर्वाइविंग सेल्स आर सिमिलर टू बट सबके डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर दिस इन बिल्ड टेंडेंसी फॉर वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन द बेसिस ऑफ़ फॉर एवोल्यूशन तो वो बोल रहे हैं यही जो वेरिएशंस आते गए डी में ठीक है डीएनए में जो चेंजेस आए ये वेरिएशंस ही रिस्पांसिबल है हम लोगों के एवोल्यूशन के लिए ठीक है देन द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन तो वेरिएशन हो रही है ये हम लोगों ने देख लिया लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस क्या है मायने क्या है इसके द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स फिल वेल डिफाइंड प्लेसेस निशेज इन द इको सिस्टम यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस ठीक है तो वो पॉपुलेशन अपने अपने है ना प्लेसेस पर जो उनका इको सिस्टम है वहाँ पर वो पहले से रह रही हैं बड़ी अच्छी तरह से रह रही हैं जो कि उनकी रिप्रोडक्शन के लिए सही है ठीक द कंसिस्टेंसी ऑफ डी एन ए कॉपिंग ड्यूरिंग दिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी तो रिप्रोडक्शन के टाइम पर डी एन ए की कॉपीज बनना बहुत जरूरी ज़रूरी हो जाता है मेंटेन करने के लिए लाइफ बॉडी uh, को ठीक है बॉडी डिजाइन को के बॉडी डिजाइन को मेंटेन करने के लिए द फ्यूचर्स डैट अलाउ द ऑर्गैनिज्म टू यूज दैट पर्टिकुलर निच ता जो वो जो आगे नया सेल बनेगा वो भी सेम तरह के निच का उसको अडेप्ट कर पाए सेम निच को ओके रिप्रोडक्शन इज देअ लिंक टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज तो वही बात आ गई कि ये सॉरी ये स्टेबिलिटी का क्वेश्चन हो जाता है ठीक है स्टेबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्पीसीज अदरवाइज दे विल बी एक्सटिंक्ट वो एवर can कैन चेंजेस बिकॉज ऑफ रीजन्स the कंट्रोल ऑफ the organisms. ठीक है निच तो चेंज हो सकते हैं निच वो वाला एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ इन्वायरमेंट होता है जो कि किसी ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल uh, के लिए बहुत सही हो ठीक है उसको वो अडेप्ट कर पाए अच्छे से सो द टेम्परेचर्स ऑन द अर्थ कैन गो अप डाउन वाटर लेवल्स कैन वेरी और देयर वुड बी अमिटेरॉयड हिट्स थिंक ऑफ अ फ्यू एग्जाम्पल्स तो वो बोल रहे हैं कि निच तो चेंज हो सकती है जैसे कोई मेट्रॉइड अर्थ पर गिर गया या फिर टेम्परेचर अर्थ का बढ़ गया या घट गया और वोटर सी लेवल्स भी हम लोगों के है ना वोटर लेवल भी वेरी करता रहता है तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गई कि ये हम लोगों के कंट्रोल से बाहर वाले हैं ओके सो इफ अ पॉपुलेशन ऑफ री प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म फॉर सूटेड टू अ पर्टिकुलर निच एंड इफ द निच व डेरास्टिकली अल्टर्ड, द पॉपुलेशन कुड़ बी वाइड आउट तो वो बोल रहे हैं कि अगर कोई एक तरह की जो पॉपुलेशन है वो एक पर्टिकुलर निच के लिए अडाप्टिड है वहाँ पर ही रिप्रोडक्शन कर सकती है अगर वो निच ही चेंज हो जाएगी तो वहाँ पर वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे और रिप्रोडक्शन ना होने की वजह से वहाँ से वो स्पीसीज पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो जाएगी ठीक है however if some variations were to be present in a few individuals in these populations there would be some chance for them to survive. agar unme kuch variations hongi wo thoda bahut thoda bahut apne temperature ki range ko change water capacity को चेंज कर पाए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को चेंज कर पाए तो हो सकता है तब वहाँ पर एक आस जगती है कि वो सरवाइव कर पाएंगे अदरवाइज बहुत नैरो टेम्परेचर रेंज में वो नहीं रह पाएंगे ठीक है अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है डिपेंड करेगा कि वहाँ पर चेंजेस कैसे आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ वेरिएशन्स बहुत ज़रूरी होती हैं ठीक है तो यही इंपॉर्टेंस है वेरिएशन की कि अगर वेरिएशन्स ना हों तो फिर तो वो पर्टिकुलर निच में कुछ भी चेंज आया तो पूरी की पूरी स्पीसीज खत्म हो जाएगी ठीक है इफ देयर वर अ पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया लिविंग इन टेम्परेट वाटर्स एंड इफ दी वाटर टेम्परेचर टू बी इंक्रीज बाय ग्लोबल वार्मिंग मोस्ट ऑफ दीज बैक्टीरियाज वाई तो वो वाले बैक्टीरियाज जो कि टेम्परेट वाटर्स में रह रही हैं जो कि कंपेरेटिवली लेस होट होते हैं ठीक है थोड़े ठंडे होते हैं वो तो अगर वहाँ का टेम्परेचर भी उस वाटर का टेम्परेचर भी बढ़ जाए बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग तो वो सारे तो मर जाएंगे बट फ्यू ऑफ द वेरियंट्स रेजिस्टेंट टू हीट वुड सर्वाइव एंड ग्रो फर्दर ठीक है लेकिन वो वाले जो कि इस जो कि थोड़े से रेजिस्टेंट होंगे हीट को वो टॉलरेट कर पाएंगे हीट को वो बच जाएंगे और वही आगे रिप्रोडक्शन करके अपने जैसे और बैक्टीरियाज़ को रिप्रोड्यूस करेंगे ठीक है सो वेरिएशन इज़ दस यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ़ स्पीसीज ओवर टाइम तो हम लोग देख रहे हैं कि कितने समय पहले हम लोगों की अर्थ बनी अर्थ के बाद इतनी सारी एजेस आई अर्थ के ऊपर तो वो सब डिपेंड कर रही है जो हम लोगों में वेरिएशन आ रही हैं एवोल्यूशनस आ रही हैं ठीक है तो ये होती है हम लोगों के पास इम्पोर्टेंस वेरिएशन की जो कि लाइफ को मेंटेन करके रखती है अर्थ पर ठीक है सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द साइंस क्लासेस।